दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे वाइल्ड एफ एक्स कैपिटल के बारे में। काफी रिक्वेस्ट आई थी, वीडियो जो है वीडियो को पूरा जरूर देखें, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, स्कैम है लीगल है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फोरेक्स विद एआई, यानी फोरेक्स मार्केट के प्लेटफॉर्म मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एआई के साथ आपको यानी एआई का बेनिफिट मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर। यह है कंपनी के सीईओ ओलिवर हैरिंगटन, एंड मैं चाहता हूँ कि एक बार इनसे मीटिंग जरूर करें। अगर ये मीटिंग में ऑलरेडी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार लाइव मीटिंग में इनको जरूर बुलाया जाए और चेक करें कि रियल में ये एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। अगर ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं तो एक एडवांटेज आपको मिल जाता है, यानी इन्होंने ही इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, ये एडवांटेज आपको मिल जाता है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि फोटो पीडीएफ के अंदर चिपका देते हैं या वेबसाइट के अंदर चिपका देते हैं, किसी का भी नाम लिख देते हैं किसी का भी, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो सीईओ हैं ये रियल में है भी या नहीं, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि यह सिस्टम कितना जेन्युइन है। एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को चेक कर लेंगे कि रियल में यह सीईओ एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो कैसे चेक होगा? मीटिंग में बुलाकर। एंड बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन की, अबाउट अस की बात कर लेते हैं। तो अबाउट अस अपने शब्दों में समझा देता हूँ, जैसे मार्केट में फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे चल रहे हैं, तो यह भी उनमें से एक है। बस ये एआई के साथ आया है ऐसा इनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, इनका कहना है। लेकिन दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता हो, हमें ये चेक करना बहुत ही जरूरी है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वह कितना सेफ है, उसी के बारे में हम इसमें इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये एआई के साथ आए हैं ऐसा इनका कहना है, चलो हम मान भी लेते हैं कि एआई के साथ ही आए हैं मार्केट के अंदर। इन्होंने ऐसा एल्गोरिथम बना रखा है कि जो ऑटोमेटिकली ट्रेड लेगा, आपको प्रॉफिट निकाल के देगा फोरेक्स मार्केट के अंदर, और आप फिर उसका विड्रॉल कर लेंगे। तो ये इनका अबाउट अस है, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, विजन भी लिख रखा है, मिशन भी लिख रखा है, सब चीज़ें उन्होंने अपने पीडीएफ के अंदर मेंशन कर रखी है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनकम की, मेन इंपॉर्टेंट चीज स्मार्ट एफएक्स बॉट। अगर आपको चाहिए तो $100 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे मिनिमम, एंड आप डेली रिटर्न ले सकते हैं 0.50% से लेकर 1.50% तक। स्मार्ट एफएक्स बॉट से आप इतना रिटर्न कमा सकते हैं डेली बेसिस पे। पीप्स बॉट है, अगर आपका अकाउंट $1000 का हो जाता है और आपके 5 डायरेक्ट रेफरल हो जाते हैं प्लस $5,000 का बिजनेस हो जाता है फर्स्ट लेवल पे एक वीक के अंदर, तो आपका जो रिटर्न है वह एक्सपेक्ट किया जा सकता है 1.2% डेली, यानी इतना आपको आ सकता है। उसका डायरेक्ट रेफरल इनकम है, फिर टीम डोनेशन है, रॉयल्टी इनकम है, रैंक इनकम है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। रेफरल इनकम 10% है, जितने भी लोग आपके लिंक से ज्वाइन करेंगे डिपॉजिट करेंगे आपको 10% आएगा उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद टीम लेवल इनकम है जो आपको 12 लेवल तक आने वाली है। यह इनकम काम कैसे करती है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया $100 और आपने किसी को रेफर किया, तो उसने भी अगर $100 इन्वेस्ट किया तो आपको मिल जाएगा 10%, वह 10% आपके जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा और अगले दिन उसी पर रिटर्न आपको आएगा। लेवल इनकम ऐसे काम करता है इनका। एंड जहाँ पर आपको कंडीशन भी दी गई है लेवल के हिसाब से, 12 लेवल तक आपको इनकम आएगी, पहले लेवल से 10%, दूसरे लेवल से 8%, तीसरे लेवल से 7%, 6%, 5%, 4%, और डायरेक्ट कंडीशन जरूर देख लेना। पहले लेवल पे कोई कंडीशन नहीं है, आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। दूसरे लेवल पे 3 डायरेक्ट रिक्वायर्ड रेफरल्स रिक्वायर्ड यानी कंपलसरी है, और तीसरे लेवल पे 3 है, फिर कंडीशन चार्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट रैंक इनकम की, जहाँ पर आपको कुछ रैंक दी जाएंगी और आपको बिजनेस देना है, जैसे कि $25,000 का टीम बिजनेस आपको आना चाहिए, 5,000 टीम बिजनेस फ्रॉम ईच 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर। तो यहाँ पर इन्होंने इनको 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर में यानी 5,000 ईच डायरेक्ट, तो $25,000 जैसे डॉलर का बिजनेस आपका डाउन में हो जाएगा और आपके 20 डायरेक्ट रिक्वायर्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो $1,000 का रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। आपकी रैंक होगी आई बी, फिर मास्टर आई बी है जहाँ पर आपको 50,000 टीम बिजनेस कंप्लीट करना है, और वो टीम बिजनेस जो होगा वो आपका डिवाइड होना चाहिए $10,000 ईच डायरेक्ट में, एंड आपके 25 डायरेक्ट भी होने चाहिए, फिर आपको मिलेगा, चेक कर लेते हैं, $2,500।
तो ऐसे ही आप कमा सकते हैं रैंक के हिसाब से। प्रीमियम आईबी पे आपको $75,000 का बिजनेस देना है, अल्ट्रा आईबी पे $1,00,000 का बिजनेस है, और कुछ टैक्स भी आपको लगाने हैं। उसके बाद आपको जो इनके रिवॉर्ड है वो आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर रॉयल्टी इनकम 2% डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रैंक के हिसाब से होगा, ग्लोबल बिजनेस से होगा। रैंक आईबी होगी तो 0.10% आपको मिल जाएगा, मास्टर आईबी पे आपको 0.15% मिल जाएगा, प्रीमियम आईबी पे आपको 0.20% मिल जाएगा, ऐसे आप वाइल्ड आईबी तक 0.55% रॉयल्टी इनकम के रूप में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था इनका बिजनेस प्लान। कहीं पर भी कोई लाइसेंस कोई डॉक्यूमेंट हमें नज़र नहीं आया है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, उनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी भी कंट्री का नहीं है। अगर बात करूँ इंडिया की, तो दोस्तों इंडिया का कोई भी डॉक्यूमेंट यानी इंडिया के अंदर यह कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी फोरेक्स मार्केट प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है, क्योंकि ये MLM में इसको ले आते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, यानी आपको डेली इनकम भी दिया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, रॉयल्टी के अंदर है, रैंक के अंदर है, और जो आपका लेवल के अंदर है, डायरेक्ट के अंदर है, तो इतना प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। यानी ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक जाल है जहाँ पर आपको लालच दिया जा रहा है, और आप लालच में टीम बनाते हैं, लोगों का पैसा लगवाते हैं, फिर एक टाइम बाद ये सभी के पैसे लेकर भाग जाते हैं। AI के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं आपका, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि आपको डेली इनकम भी दे दें, साथ साथ डायरेक्ट इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दें, लेवल में भी कर दें, रैंक में भी कर दें, रॉयल्टी में भी कर दें। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट है वो, आप चाहे कुछ भी बना लो, मार्केट डाउन भी होती है, अप भी होती है, हमेशा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते मार्केट से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हमेशा प्रॉफिट ही निकाल पाओ, आपका लॉस भी होगा मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो। अगर ये AI की बात कर रहे हैं तो कुछ दिन बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसा AI है इनके पास, क्योंकि अब से पहले भी प्लेटफॉर्म आए हैं जो लोगों को मूर्ख बना के गए हैं कुछ कुछ बता बता कर। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है कि इनका प्लेटफॉर्म क्या करता है, AI है या Web3 है, कुछ भी बोल देते हैं, उस पर फोकस मत कीजिए। फोकस आपको उस पर करना है कि क्या ये लीगल तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं। कोई लाइसेंस नहीं है, इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है, इंडिया का कोई लाइसेंस नहीं है, SEBI से रजिस्टर्ड नहीं है, यानी भारत के कानून को फॉलो भी नहीं कर रहा है। और इस टाइप के प्लेटफॉर्म मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं, बच के रहना है आपको थोड़ा सा। मैं नहीं कह रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, देखो पैसा तो वैसे आपका है, आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है पैसा आप उतना ही लगाएं जितना आप अफोर्ड कर पाएं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति खराब ना हो। अगर ये आपके पैसे लेकर भाग जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति खराब ना हो, आप डिप्रेशन में ना जाएं, उतना ही पैसा लगाएं जितना आप अफोर्ड कर पाएं, क्योंकि ऐसे सिस्टम का कोई भरोसा नहीं है। और जितने भी यूट्यूबर आपको बताते हैं सिस्टम के बारे में या मीटिंग के अंदर बताते होंगे बढ़ा चढ़ा के, वो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। आप इन्वेस्ट करेंगे उनकी पॉकेट में कुछ ना कुछ पैसा जाएगा, मैं भी इस काम को कर सकता हूँ, लेकिन ये सिस्टम लंबे समय तक नहीं चलते हैं, इसी वजह से मैं इनको प्रमोट नहीं करता हूँ। अगर लंबे समय तक चलते, 4-5 साल 10 साल कुछ तो चलते ना, ये तो 6 महीने 1 साल फिर ये तो प्लान चेंज करते रहते हैं फिर भाग जाते हैं। तो थोड़ा संभल कर रहना है, कम इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो कम करें, ज़्यादा पैसा मत लगाएं, क्योंकि ये भागना है, इसको मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ उस चीज़ को, आज नहीं तो कल ये भागेंगे आपका पैसा लेकर, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं पर ये रजिस्टर्ड नहीं है, आप इनको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो लास्ट एक लाइन बोलूँगा, उतना ही पैसा लगाएं जितना आप अफोर्ड कर पाएं, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के अकाउंट को देखकर अपने पैसे को नहीं बढ़ाना है, अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इन बात को समझ चुके होंगे, एंड कमेंट में काफ़ी लीडर्स आ सकते हैं जो अपना ज्ञान देकर जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी यही बोलना चाहूँगा कि किसी की बातों में मत आएँ, प्लीज़ मत आएँ, क्योंकि अब से पहले फोरेक्स मार्केट के नाम पर बहुत बड़े स्कैम हुए हैं, और यह भी स्कैम करेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से रिव्यू कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी यूट्यूबर जो प्रमोशन करते हैं ऐसी वेबसाइट का, या किसी भी लीडर की बातों में बिल्कुल भी मत आएं, अपने हिसाब से सोच समझकर रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। अगर आपको बिलीव है, लग रहा है कि ये आपको रिटर्न दे देगा, तो आप अपना पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं है और किसी और को देखकर आप पैसा लगा रहे हैं, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो सोच समझ कर पैसा लगाएं, किसी की बातों में मत आएं, अपने खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके उसका नाम बताएं,
हम उसकी भी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। एंड ऐसी वीडियो वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। थैंक्स।